देखिए 13, 26, 39, 52, 65 का कह रहे हैं एवरेज निकालो, कितने नंबर हैं ये? पांच नंबर। तो क्या करेंगे, प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे। ये तो हो गया ओरिजिनल तरीका। लेकिन बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमारी मैजिकल ट्रिक चल जाती है। और से देखो, नंबर 13, 26, 39, 52, 65 हैं, यानी नंबर में एक मखसूस फ़र्द आ रहा है 13 का। तो अर्थमेटिक मीन हम कहेंगे कि भाई इनकी कितनी है, 13। ऐसे सवाल अर्थमेटिक मीन कहलाते हैं। कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले बच्चों खासतौर पर समझो, 13-13 का फ़र्क। तो जब ये एक सेम टेबल का फ़र्क हो तो पता है इतना लंबा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल कितने नंबर है, 5 नंबर, दो इधर से, और आंसर क्या होगा, दरमियान वाला। जी हाँ, कुछ भी मत करें आप, वैसे खुद से करके देखिएगा, प्लस करके 5 से डिवाइड तो भी 39 आएगा, और हम ट्रिक से भी 39 लेंगे। जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, कितने नंबर हैं ये, 5। तो प्लस करके 5 से डिवाइड कर दें कि ये आप इनका बिल्कुल दरमियाना नंबर। ऐसा कब होगा जब फ़र्क एक जैसा चल रहा हो? तो बच्चों हम फौरन इस तरह ट्रिक लगा लेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अर्थमेटिक मीन निकालने का। देखो एवरेज निकालने का, अर्थमेटिक मीन में तो अभी भी लेकिन कोई दरमियाना नंबर नहीं है ना, ये फिर ये और दरमियान में दो दो नंबर हैं। तो कोई बात नहीं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 25 यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तो हो ही नहीं सकता, पता ही लग रहा है कि हमारी ट्रिक फेल हो जाएगी, हमें पूरा मेथड करना ही पड़ेगा प्लस करके फिर 5 से डिवाइड। लेकिन अगर घूर के देखो, 100, 80, 60, 20, 20 का फ़र्क, अगर यहाँ 40 होता और यहाँ 20 होता तो बात बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लगे बंदे थोड़ी अकल यूज़ करो, ये 40 से एक ज़्यादा है तो 20 से एक कम है, इसका मतलब है यार बिल्कुल मीन चल रही है, और आंसर ये हो जाएगा। जनाब यहीं तो दिमाग इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया, एवरेज में ऐसे सॉल्व किया था जैसे कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, कह रहे इनका एवरेज मालूम करो। तो देखो कोई इतना मसला नहीं है, हम इन सब का सम ले लेंगे। ये 9, 11, 13, 14, 14/6, 7/3, चलो भाई आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, कह रही ये 3-3 के बजाय से 4-4 चार बार होते, फिर 5-5 बार होते। अब ऐसे मुश्किल होता जाता, कहते हैं कि अब सम निकालो। अब बोलो यार अब तो बहुत मुश्किल है, और बच्चों हकीकतन ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे हमारे लिए प्रॉब्लम होती जाएगी। अब ये नंबर पहले तो गिनोगे कितने बन रहे हैं भाई, ये 15 बन रहे हैं। तो फिर हम इसको टोटल नंबर साउंड करेंगे ना, कितने बन रहे हैं, सम को उससे डिवाइड करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हमारी बढ़ती जाएगी और करना मुश्किल होता है। तो इसकी बड़ी अच्छी मैजिकल ट्रिक है, वो मैं बता रहा हूँ। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो है क्या, 1 1 बार 2 2 बार 3 3 बार 4 4 बार 5 5 बार। अब देखिए 1 1 2 2 3 3, जब यहाँ तक था यह सवाल, आपने ओरिजिनल मेथड से किया 7/3 आया, इसको करेंगे टोटल 55 नंबर है, 15 से डिवाइड करते 11/3। अब देखो मैजिकल फार्मूला, मैजिकल फार्मूला इस टाइप के सवालों के लिए 2n+1/3। अरे ये सब यहाँ तक होता सवाल, तो मैं इनकी जगह क्या पुट करता, 3 2 3 6 + 1 7/3, देखो डायरेक्ट आ गया। इसी तरह जब n 5 होता, 5 2 10 + 1 11/3, ये आंसर आ गया। तो बड़ी ऑसम ट्रिक है बच्चों, जिससे हम ये बड़े ख़तरनाक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब अगर ये आगे चल रहा होता, यानी कि 6 6 बार होता तो मैं इनकी 6 पुट करता, 7 7 बार होता जो कि आए हैं बहुत सारे ऐसे सवाल, ठीक है जी, IBA के टेस्ट में उन्होंने 7 7 बार दिया था, यानी 1 1 बार 2 2 बार। तो ये ट्रिक, मैजिकल ट्रिक हम यूज़ करेंगे बच्चों, ध्यान में रखना।